हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आप सबका हमारे जिज्ञासा इनिशिएटिव पे, जहां पे हम डेली 5 एमसीक्यूज के थ्रू अपने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो आज हमारा अप्रैल का 22nd डे है और आज के एमसीक्यू से जो पिछले कुछ दिनों में जो बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, जिसमें यूपीएससी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है, उन क्वेश्चन को एक बार हम देखेंगे और उन इवेंट्स से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 105 तक हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है रिवर नेत्रवती के ऊपर, जिसको अक्सर न्यूज में देखा गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। उन रीजंस के बारे में और इस रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट। एंड ये चीज अगर हम नोट करते हैं तो तभी हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके सही आंसर पर रीच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं कि इट इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि नेत्रवती रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसके बारे में आगे देखेंगे भी। तो स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट हो गई है और हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट। तो जितनी ऑप्शंस में स्टेटमेंट वन आ रही है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, क्योंकि इन सब में स्टेटमेंट वन आ रही है। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन से हम डायरेक्टली अपने आंसर यानी कि सी पे पहुंच गए हैं। पर एक बार फिर से बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो सेकंड कह रहे हैं कि इट हैज इट्स ओरिजिन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यस, दिस इज करेक्ट। एंड इट इज बीइंग एडवर्सली इंपैक्टेड बाय अ प्रोजेक्ट विच इज नोन एज येटिना होल प्रोजेक्ट। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपीएससी में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई बार कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट भी अगर आपको पता है, वो एक फैक्ट भी पता है, तो आप एलिमिनेशन से करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस में यूपीएससी इसी फैक्ट को टेस्ट करना चाह रही होती है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह के क्वेश्चंस की एक एग्जांपल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर एक फैक्ट हमें पता है और हमने ढंग से तिगड़म लगाया है, एलिमिनेशन लगाई है, तो हम अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें किसी भी न्यूज़ का रीसेंट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम करंट अफेयर्स का कहते हैं तो वो क्यों करंट अफेयर्स में है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें वाई पता है, किसी भी चीज़ का रीज़न पता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मेंस के एग्जाम में उसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी की हमने होलिस्टिक तैयारी करनी है, प्री और मेंस के बीच में ऑर्गेनिक लिंकेजेस बना के रखने हैं। तो इसलिए द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूज इज एज इंपॉर्टेंट एज द न्यूज इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पे इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स, हाइडल प्रोजेक्ट्स और जो हमने अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा येटिना होल प्रोजेक्ट, दे आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर ड्राइंग अप ऑफ नेत्रवती रिवर। तो एनवायरमेंटलिस्ट और काफी सारे जो सिविल सोसाइटीज हैं, दे आर ड्रॉइंग मीडियाज अटेंशन, गवर्नमेंट्स अटेंशन ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, जहां पे जो वो प्रोजेक्ट है वो नेत्रवती को ड्राई अप कर रहे हैं। और नेत्रवती की इंपॉर्टेंस क्या है कन्नड़ा के लिए, यानी कर्नाटका के लिए, इनफैक्ट दक्षिण कन्नड़ा के लिए, ठीक है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट इसको लाइफलाइन ऑफ दक्षिण कन्नड़ भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं यूपीएससी के लिए इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें इस रिवर से एसोसिएटेड पता होने चाहिए, सिंस इट्स इन न्यूज। तो सबसे पहले वी शुड सी कि ये फ्लो कहां से करती है, इसका ओरिजिन क्या है और कोर्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ओरिजिन जो है दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स, वहां पे बंगरा बाली के फॉरेस्ट वैली है, इन येलानेर घाट्स ऑफ कुदेरमुख रेंज। तो वहां पे उसका ओरिजिन है, विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका स्टेट। एंड अगर आप इसका कोर्स देखेंगे इस इलस्ट्रेटिव डायग्राम में, तो फ्रेंड्स यहां पे वी कैन सी दैट दिस रिवर फ्लोज एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मोर देन टू स्टेट्स, थ्री स्टेट्स या ओनली इन, इट फ्लोज ओनली इन कर्नाटका, तो उस हिसाब से हमें सही ऑप्शन अपनी वहां पे चूज करनी है। इंपॉर्टेंट प्लेस जो जिससे ये गुजरती है वो है धर्मस्थल, विच इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिम प्लेस, ठीक है। तो ये भी पता रहना चाहिए। और वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये हमने देख ही लिया है। एंड ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द होली रिवर्स इन इंडिया। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ अबाउट 1353 स्क्वायर माइल्स। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बट स्टिल अगर आपको याद रख पाते हैं और अगर ये काम आ जाता है तो इट्स गुड। एंड इट मर्जेस विद कुमारा धारा रिवर एट उपिनागढ़ी बिफोर फ्लोइंग टू अरेबियन सी। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये किस में मर्ज करती है, ठीक है, कौन सी जगह पे करती है और फाइनली किस सी में ये अपने आप को ड्रेन करती है। तो ये अरेबियन सी में अपने आप को ड्रेन करती है, सिंस इट्स अ वेस्टर्न वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। एंड लाइफलाइन ऑफ दक्षिण कन्नड़ा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब देखते हैं येटिना होल प्रोजेक्ट क्या है और इसके रिगार्डिंग क्या कंट्रोवर्सी है। तो फ्रेंड्स, इसमें पाया गया है कि जो रिवर नेत्रवती है वो ड्राई अप हो रही है और इसका रीजन कहा जा रहा है ऑनगोइंग येटिना होल प्रोजेक्ट।
और कुछ और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द 9 ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर विच इज नेत्रावती. ठीक है, ये इको सेंसिटिव जोन में ऑफ वेस्टर्न घाट्स में इस प्रोजेक्ट को परसू किया जा रहा है, तो उस वजह से इसके कुछ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं. वन ऑफ देम इज ड्राइंग अप ऑफ नेत्रावती रिवर. तो और कुछ अगर इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर हमने जाननी है तो वो है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको इनिशिएट किया गया था. तो इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाई कमिटी हेडेड बाई जीएस परम शिवाई. ठीक है, ये कमेटी के चेयरमैन थे और इनकी कमेटी से ये प्रोजेक्ट को लाया गया था. और ये कर क्या रहा है, इट इज मेनली प्रोवाइडिंग द ड्रिंकिंग वाटर फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट सच एज हसन, तुमकुर, कोलार, चिकबालपुर, बैंगलोर रूरल एंड रामनगर. ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पाया गया कि इन डिस्ट्रिक्ट्स का ग्राउंड वाटर टेबल जो है काफी नीचे चला गया, तो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है और उसके लिए इस प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशन की गई थी. एंड ये पानी कहां से उठाएगा, ये पानी उठाएगा वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम नियर सकलेशपुर इन हसन डिस्ट्रिक्ट से. ये काफी इन डेप्थ हम जा रहे हैं, बट थोड़ा सा हमें पता रहना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना. और ड्रिंकिंग वाटर कहां से प्रोवाइड करेगा, यहां से वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम नियर सकलेशपुर इन हसन डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, ये क्लेम करता है कि देर वुड बी नो एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, नो सबमर्जेस ऑफ लैंड एंड नो नीड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल. हाउएवर प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, जैसे कि नेत्रावती रिवर का ड्राई अप होना. तो इतने फैक्ट्स अगर हमें पता है तो हमने इस करंट अफेयर को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लिया है. एंड फ्रेंड्स, अपने करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करने के लिए, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज जो कि हमारा पेड कोर्स है उसको भी स्टार्ट किया है, विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल. तो उसके अब तक 5 टेस्ट जो हैं दे हैव बीन लाइव और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको एनरोल किया है, एंड वी आर डेफिनेटली गेटिंग फीडबैक के उनको काफ़ी फायदा हो रहा है इस टेस्ट सीरीज का. तो फ्रेंड्स, आप भी इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे विच विल कवर 1000 एमसीक्यूज एंटायरली ऑफ करंट अफेयर्स. इस टेस्ट सीरीज की यही यूनिक चीज है कि इसमें करंट अफेयर्स को एक्सक्लूसिवली कवर किया जा रहा है, और सिर्फ एक साल के नहीं, पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को. और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो होते हैं, द हिंदू, PIB, लाइवमेंट, इंडियन एक्सप्रेस एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, इन सभी सोर्सेज को कवर किया जा रहा है. एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद डिटेल्ड डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन of the solutions of this test also. तो उससे आप अपनी revision कर सकते हैं, अपने test का analysis कर सकते हैं और अपनी preparation में value add कर सकते हैं. तो इसका जो छठा test है that will be live tomorrow. और the students who are interested in this test series और वो अपनी value addition करना चाहते हैं current affairs की preparation में, so they can enroll in this test series. It costs only ₹1,499 inclusive of GST. ठीक है, तो चलिए अब second question देखते हैं आज का. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 107 ऑफ द अप्रैल मंथ. तो ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नबार्ड, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा गया हमसे. तो स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ते हैं. बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस आर होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि बोथ दिस इंस्टीट्यूशंस आर हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. ठीक है, नाउ दिस इज इनकरेक्ट. मुंबई में सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नबार्ड जो है, दैट इज इन मुंबई, बट NHB जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, न्यू दिल्ली में है. ठीक है, तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, यानी कि हमारे आंसर में ये नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है. तो जितनी ऑप्शंस में 2 आ रहा है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, और थर्ड हमारी इनकरेक्ट है, ये हमारे आंसर में होनी चाहिए. ठीक है, तो जितनी ऑप्शंस में 3 आ रहा है वो हमारा आंसर होना चाहिए, और सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन रह गई है एलिमिनेट करने के बाद, तो दैट विल बी आवर आंसर. तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड है, तो हो सकता है आपको इसकी डेवलपमेंट अगर नहीं भी पता, बट स्टिल अगर आपने इसके स्टैटिक एस्पेक्ट्स को याद कर रखा है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कई ऐसे होते हैं जो स्टैटिक नॉलेज को यूज करते हुए सॉल्व किए जा सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर ऑफन आस्क्ड बाय UPSC. तो यहाँ पे ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके रिगार्डिंग, और ये न्यूज बनती है जिसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. बट येस, स्टैटिक एस्पेक्ट्स अगर हमें मालूम है तो वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो इसका आंसर जो है वो सी है. अब इस न्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक और नबार्ड पे पूछा क्यों गया है. तो क्या डेवलपमेंट हुई है, अगेन हमें रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि वो मेंस का कोई इशू बन सकता है और मेंस के आंसर राइटिंग में भी हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रिलिम्स क्लियर करना नहीं है, पूरा UPSC क्लियर करना है, और उसमें मेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि RBI ने अपने पूरे के पूरे स्टेक्स जो उसके थे नबार्ड और NHB में, उनको डाइवर्स कर दिया है. इसका मतलब क्या है कि वो सारे के सारे जो
स्टेक्स हैं वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ होल्ड्स 100% इन दीज एंटिटीज. आरबीआई हैड 100% शेयर होल्डिंग इन एनएचबी विच वॉज डाइवेस्टेड फॉर ₹1,450 करोड़. ये फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले एनएचबी में आरबीआई के 100% शेयर होते थे, तो वो अब 100% के 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. नाबार्ड में पहले 72.5% होते थे टिल 2010, ठीक है, उसके बाद 71.5% रह गए. अब 71.5% भी जो बचे हुए थे वो भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए, तो दोनों में पूरा 100% स्टेक जो है दे आर होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड एनएचबी, ठीक है. अब इसका रैशनल क्या दिया गया है, इसका रैशनल जो है ये जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है करंट अफेयर्स की, इट हैज इट्स बेसिस इन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट नरसिम्हन कमेटी 2. ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये डेवलपमेंट अगर हुई है तो इसका रैशनल क्या है, नरसिम्हन कमेटी 2 एंड डिस्कशन पेपर प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई ऑन हार्मोनाइजिंग द रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, ठीक है. तो इन दो चीजों में ये रैशनल इसका दिया गया है और ये रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुई है. अब देखिए ये इंस्टीट्यूशंस जो है नाबार्ड एनएचबी एंड आरबीआई ये करंट अफेयर्स में आ गए, पर इनके स्टैटिक एस्पेक्ट्स भी हैं, तो स्टैटिक एस्पेक्ट्स हमें थोड़े से पता होने चाहिए, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं. तो फ्रेंड्स जिसको 1988 में सेटअप किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, और इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारे क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था. इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, जिसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो इनकरेक्ट थी. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑपरेट एज प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल्स एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट इंसिडेंटल्स टू सच इंस्टीट्यूशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. मतलब कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, जिसको बोर्ड में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. और ये करता क्या है, इट रजिस्टर्स रेगुलेट सुपरवाइजेस व्हाट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है. और साथ में इसी रेगुलेशन से रिलेटेड और जो पेरिफेरल वर्क्स होते हैं उनका भी जो जिम्मा है वो एनएचबी के ऊपर है, ठीक है. अर्लियर इट वॉज होली ओन्ड बाय आरबीआई, बट अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो उसके बाद इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब नाबार्ड के बारे में भी जान लेते हैं. तो नाबार्ड जो है इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इट इज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई विद रीजनल ऑफिसेस ऑल ओवर, पूरे इंडिया में इसके रीजनल ऑफिसेस होते हैं. और ये करता क्या है, इसको कौन से मैटर्स दिए हुए हैं हैंडल करने के लिए, दोज मैटर्स विच आर कंसर्निंग विद पॉलिसी प्लानिंग ऑपरेशंस वेयर इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया, ठीक है. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ये किस तरह की बॉडी है, यानी कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी है कि एग्जीक्यूटिव है, वो सब हमें पता रहना चाहिए. तो फ्रेंड्स ये भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट वॉज क्रिएटेड बाय इस एक्ट के थ्रू टू इंप्लीमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981. और इसके रिकमेंडेशन बी सिवारमन कमेटी के बेसिस पे हुई है. इसका गठन जो हुआ है बी सिवारमन कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसका गठन किया गया. और इसका जो लिंक है, यानी कि इसकी जो एक्टिविटीज हैं, इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हमारे सिलेबस में मैंशन भी है, तो उसके रिगार्डिंग इसकी एक्टिविटीज काफ़ी रहती हैं, विच मेक्स दिस बॉडी इवन मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो इंक्लूसिव ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो टर्म्स हैं ये हमारे सिलेबस में मेंशन रहती हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. और मेंस में भी ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है, ठीक है. तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसने किसको रिप्लेस किया था, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को, इट वॉज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और एक और चीज़ थी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के जो काम थे अब वो सारे काम जो हैं दे हैव बीन सबस्यूम्ड बाय नाबार्ड, ठीक है. तो ये इसके कुछ स्टैटिक एस्पेक्ट्स थे और ये हमें पता रहना चाहिए. क्यों, क्योंकि दीज बॉडीज हैव बीन इन न्यूज. अब आरबीआई के बारे में ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप अपनी बेसिक बुक से थोड़ी रिवीजन कीजिए एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए. इट्स वेरी प्रोबेबल कि आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत से रीजंस के कारण वो न्यूज में भी अक्सर पाया गया है. 108वें क्वेश्चन पे आते हैं अप्रैल के. तो ये कह रहा है कि रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इंडक्टेड इनटू इट्स फ्लीट एंड इंटरसेप्टर वेसल नोन एज ICGS C-441. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस वेसल इज और आर करेक्ट. तो हमसे करेक्ट पूछे. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द वेसल फिटेड विद द स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशनल इक्विपमेंट हैज बीन बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद जापान. इन कोलैबोरेशन विद जापान मतलब ये इंडिजिनियसली बिल्ट नहीं किया गया, जो कि है गलत, क्योंकि इसको इंडिजिनियसली बिल्ट किया गया है और रिसेंटली इसकी कमीशनिंग हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. सेकंड कह रहे हैं इट इज अ 27.8 मीटर लॉन्ग वेसल विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 45 नॉट्स. तो ये दोनों चीजें करेक्ट हैं. ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि यूपीएससी थोड़ी सी डिटेल पूछ लेती है, तो वो हमें पता रहने चाहिए. तो यस, इट इज 27.8 मीटर लॉन्ग एंड विद द स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 45 नॉट्स. तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम क्या लिखा हुआ है इन सब चीजों पर ध्यान रखना है. एंड जो यूनिट साथ में दिए हुए हैं
उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, सो आर आंसर इज बी। तो व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज, क्योंकि रिसेंटली इंटरसेप्टर वेसल जो है उसकी कमिशनिंग हुई है। दिस वेसल इज नोन एज ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C-441, ठीक है। दिस इज सेवन इंटरसेप्टर वेसल अमंगस्ट द सीरीज विच इज बीइंग डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजिनियसली बाय L&T बेस्ड इन सूरत, ठीक है। तो ये हमें चीजें पता रहनी चाहिए, और ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बट येस दिस वॉज गिवन इन न्यूज, सो वी मे नो इट एज वेल। एंड अबाउट द वेसल, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है इस वेसल की, तो उनको देख लेते हैं। तो पहले हमने लेंथ तो इसकी पढ़ ली, ठीक है। इट डिस्प्लेसेस 106 tons, ठीक है, एंड मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 45 नॉट्स या 83 किलोमीटर पर आवर। दोनों में से कुछ भी अगर स्टेटमेंट में आ गया यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। इट इज इक्विप्ड विद ट्विन डीजल इंजन्स एंड वाटर जेट प्रोपल्शन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी किसी वेसल में यूज हो रही है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए, और इसके ऑब्जेक्टिव या इसकी यूटिलिटी क्या है। इट विल बी यूज फॉर क्लोज कोस्ट सर्वेलेंस, इंटरडिक्शन मतलब इंटरसेप्शन, कि अगर कोई गैर कानूनी वेसल जो है समुद्र के रास्ते हमारी कोस्ट लाइन के पास आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करके उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इसको यूज किया जाएगा, और असिस्टेंस देने के लिए भी यूज किया जाएगा टू बोट्स एंड क्राफ्ट्स इन डिस्ट्रेस। इसके बाद इसमें स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन नेविगेशनल इक्विपमेंट्स और लाइट मीडियम एंड हैवी ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ इसको लहस किया गया, यानी कि इट हैज बीन इक्विप्ड विद ऑल दीज थिंग्स। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो इंडक्शन हुई है, काफी इंपॉर्टेंट वेसल की इंडक्शन हुई है कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। एंड अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनको भी हम रिवाइज कर सकते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का भी संगठन जो हुआ था 1978 में हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, और इसकी रिकमेंडेशन जो थी इस बॉडी की, इंडियन कोस्ट गार्ड एज अ बॉडी की जो रिकमेंडेशन थी वो नाग चौधरी कमेटी के द्वारा दी गई थी। और ये इस कमेटी का गठन किस लिए हुआ था, टू एड्रेस द स्मगलिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसकी ऑपरेशन कहाँ पे, किसके अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज इट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम और इज इट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इट ऑपरेट्स। एंड इंडियन द कोस्ट गार्ड वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद इंडियन नेवी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को ये असिस्ट करता है। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको देखते हैं अब। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड जो है, ये अथॉरिटी IEPF अथॉरिटी वाज समटाइम्स सीन इन न्यूज। इट हैज बीन सेट अप अंडर विच मिनिस्ट्री, बेसिकली मिनिस्ट्रीज ही हुई है, हमने ये बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये सेटअप किया गया। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड द लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर ये काफी क्लोज ऑप्शंस दी गई हैं, क्योंकि फाइनेंस, कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सारे आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD एक है जो थोड़ी सी अलग है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो देखते हैं कि क्या हम इसमें कोई तिगड़म लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, तो एजुकेशन को देके ये HRD शायद इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, तो इन्वेस्टर की एजुकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD से लिंक तो नहीं हो सकती, तो हम बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस रह गई हैं, तो इनमें से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अब इन्वेस्टर बताइए कौन होता है, इन्वेस्ट कौन करता है, बड़े बड़े उद्योग करते हैं इन्वेस्ट, तो उनको क्या कहते हैं हम, कॉरपोरेट। तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन अगर हम थोड़ा अपना ब्रेन को स्मार्ट वे में यूज करें तो हम सही आंसर जो है इसका उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडी है इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इस क्वेश्चन का आंसर डी है। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है और न्यूज में है, तो इसलिए यूपीएससी पूछ भी सकती है, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली IEPF अथॉरिटी को एक सक्सेस मिला था बाय रिकवरिंग ₹1,514 करोड़ ऑफ डिपॉजिटर्स मनी जस्ट अ बिगिनिंग। ये इसको मतलब अभी दे आर प्रोजेक्टिंग कि और ऐसे रिकवरी करेंगे, तो ये काफी बड़ी न्यूज बनी गई थी एंड इट वॉज कवर्ड इन PIB, ठीक है। तो अब इस अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वॉज सेटअप, इट हैज बीन सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर किस एक्ट के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसका गठन हुआ है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू एडमिनिस्टर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक फंड है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा जो है इस अथॉरिटी के पास है, और इस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है इस फंड का, और इस फंड की मैनेजमेंट ये अथॉरिटी करती है, ठीक है। और ये इट टेक्स वेरियस इनिशिएटिव्स टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड वेरियस अदर मीडियम्स लाइक
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, कम्युनिटी रेडियो एक्सेट्रा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लेती हैं, और पिछले एक साल में इसका जो फंड होता था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। और इसके चेयरमैन कौन है ये पता रहना चाहिए। कोई भी बॉडी जब हम पढ़ते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर वो काम कर रही है, वो स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी है, और अगर स्टैट्यूटरी है कौन से एक्ट के थ्रू वो अपने ऑपरेशंस करती है, अपनी एग्जिस्टेंस बनाती है, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं और उसके सीईओ कौन होते हैं इफ़ एनी। तो इसके चेयरपर्सन इज नॉट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट्स चेयरपर्सन इज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो सीईओ होते हैं इस अथॉरिटी के। अब IEPF फंड को भी देख लेते हैं, तो ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको सेटअप किया गया था फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब ये फंड है इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, इसमें जितना भी अनक्लेम डिविडेंड रहता है, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी होती है, मेच्योर्ड कंपनी के डिपॉजिट्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लगते रहते हैं, अगर वो 7 साल तक क्लेम ना किए जाएं तो वो पैसा जो है वो IEPF फंड में चला जाता है। एक बार ये फंड में चला गया उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन फंड में पहुंचने से पहले तक द इन्वेस्टर कैन क्लेम द अनपेड अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, दैट इज बिफोर दे आर क्रेडिटेड टू द IEPF अकाउंट। ठीक है, और ये प्रोसीजर जो है इसको क्लेम करने के, ये कंपनी दे आर प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी इटसेल्फ। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ रिसेंट इंटरनेशनल इवेंट, दैट इज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है, इसमें तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमसे पूछा है करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि IFPR हैज बिन होस्ट 2019 हैज बिन होस्टेड बाई चाइना इन क्विंगडाओ प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है, सेकंड कह रही है कि IFPR 2019 विल ऑल्सो कमेमोरेट द 70th एनिवर्सरी ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनकी नेवी। थर्ड कह रही है IFPR 2016 वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स, थर्ड हमें डेफिनेटली हमें पता है कि 2016 में विशाखापट्टनम में IFPR को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडिया, तो थर्ड तो हमारी करेक्ट है और जो इसको हम लॉक कर सकते हैं। तो जितनी ऑप्शंस में थर्ड आ रहा है दे कैन बी आर करेक्ट आंसर, तो ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वन दोनों में आ रहा है तो वन करेक्ट है। अब सेकंड जो है, अब चाइना में हो रही है तो सेकंड हमें ये फैक्ट है, और ये फैक्ट अगर हमें पता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो इसमें गेस मारने की टेंडेंसी रहती है। तो जब भी आप कोई अपना टेस्ट सीरीज का एग्जाम देते हैं और अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, तो आफ्टर यू एनालाइज, व्हाइल यू एनालाइज, डू सी कैसा कौन सा एडिशनल फैक्ट आपको पता होता कि श्योरिटी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको ये पता है कि ये इस जो इवेंट हो रहा है इट इज ऑल्सो कमेमोरेटिंग द 70th एनिवर्सरी ऑफ PLA नेवी, तो वो इस आंसर को करेक्टली सॉल्व कर सकता है और इसका आंसर डी है। तो इस इवेंट के बारे में जान लेते हैं। तो अभी जो इंडिया की कुछ शिप्स हैं, दैट इज INS कोलकाता एंड शक्ति, इन्होंने क्विंगडाओ प्रोविंस में प्रवेश किया था और IFR जो है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है, वो 70th एनिवर्सरी ऑफ पीपल लिबरेशन आर्मी, उनकी नेवी जो है उसको भी कमेमोरेट कर रही है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इसमें अराउंड 60 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2016 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था जहाँ पे 50 नेवीज आई थी अराउंड 100 वॉरशिप्स के साथ। तो बेसिकली ये करते क्या है, इस प्रोग्राम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इट प्रोवाइड्स एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर द वर्ल्ड्स नेवी टू शोकेस देयर प्रोवेस एंड इंडिजिनस शिप डिजाइनिंग एंड शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि मसल फ्लेक्सिंग का बेसिकली काम है कि अपनी ताकत प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जाता है इस इवेंट में। ठीक है, तो IFR 2019 जो है वो चाइना होस्ट कर रहा है और हमने जैसा कि न्यूज़ में भी लिखा हुआ है, ये न्यूज़ कहाँ पे थी, ये PIB में आई थी। तो 70th एनिवर्सरी ऑफ PLA नेवी भी, नेवी को भी कॉमेमोरेट किया जा रहा है। INS कोलकाता और INS शक्ति जो थी उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, तो उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इनको INS कोलकाता जो है वो इंडिजिनसली बिल्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, पता रहना चाहिए कि है क्या, एंड इट इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स टू एड्रेस थ्रेट्स इन ऑल डायमेंशन ऑफ नेवल वॉरफेयर। ठीक है, सिर्फ इतना फैक्ट भी अगर हमें मालूम है तो कई सारे क्वेश्चन जो UPSC पूछ सकती है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। सेकंड, INS शक्ति जो है इट इज वन ऑफ द फ्लीट सपोर्ट शिप, यानी कि जो फ्लीट होती हैं, एक फ्लीट में बहुत सारी शिप्स होती हैं तो उनका, उनको काफी सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो उनका जैसे राशन वगैरह एंड अदर स्टोरेज करने वाली चीजें, तो वो चीजें जो है वो इस तरह की शिप्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, इट कैन कैरी 15,000 टन ऑफ लिक्विड कार्गो, यानी कि फ्यूल वगैरह, एंड 5,000 टन ऑफ सॉलिड कार्गो इंक्लूडिंग विक्चुअल्स एंड एम्यूनेशन। विक्चुअल्स मतलब फूड से जुड़ी चीजें, ठीक है, एंड एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद, हथियार वगैरह। तो एक तरह से फ्लीट का स्टोरेज स्पेस, फ्लीट का स्टोर रूम बन जाता है उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट
करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स आई होप आज के इन क्वेश्चन से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, पिछले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह डेली के डेली हमारी ये वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी में सही ओरिएंटेशन करने के लिए अपनी वैल्यू एडिशन करते रहिए। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को भी एनकरेज कीजिए, उनको भी रेफरेंस दीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी में वैल्यू एडिशन कर सकें। एंड डू विजिट आवर वेबसाइट दैट इज civilstab.com एंड हमारा टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है एंड उसका लिंक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस तो यू कैन ड्रॉप अस अ मेल एट hello@civilstab.com और यू कैन कॉल अस एट 81462 07241। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।